अवैध खनन माफियाओं पर चला एसडीएम का डंडा, दड़ियाल टांडा रोड पर ओवरलोड गाड़ियां भर रही हैं फर्राटे। रामपुर के दड़ियाल क्षेत्र में नव नियुक्त उप जिलाधिकारी के आगमन पर यहां पर लोगों ने हर्ष व्यक्त किया है। उन्होंने कार्यभार संभालते हुए सबसे पहले अवैध खनन पर नकेल कसना शुरू किया है। आजकल अवैध खनन माफिया इतने बेखौफ हो चले हैं कि जब प्रशासनिक अमले की आंखों में धूल झोंककर धड़ल्ले से अवैध खनन से भरे डंपर व गाड़ियां ओवरलोड फर्राटे भरते हुए दड़ियाल से टांडा रोड पर जा रही, उस समय एसडीएम यमुनाधर चौहान ने राजस्व टीम के साथ दड़ियाल क्षेत्र में अवैध खनन से भरी ओवरलोड वाहनों को सबसे पहले निशाना बनाया। ओवरलोड अवैध खनन काफी समय से इस क्षेत्र में फर्राटे भरते नजर आ रहे हैं। इसी क्रम में आज दड़ियाल के टांडा रोड पर एसडीएम यमुनाधर चौहान ने राजस्व टीम के साथ तहसीलदार बहादुर सिंह नायाब, तहसीलदार शिव प्रकाश सरोज व अन्य लोगों के साथ क्षेत्र में ताबातोड़ चेकिंग अभियान चलाते हुए दो दिन पहले 6 गाड़ियां, आज सुबह 8 अवैध खनन ओवरलोड गाड़ियों पर कार्यवाही कर सीज की। एक दर्जन से अधिक वाहनों को पकड़कर सीज कर दिया। उन्होंने सख्त लहजे में चेतावनी दी, जो अवैध खनन माफिया फील्डिंग के द्वारा अवैध खनन ओवरलोड वाहन दड़ियाल से टांडा रोड पर निकाल रहे हैं उनके विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी। अवैध खनन में लिप्त वाहन स्वामी कितना ही रसूख वाला व्यक्ति क्यों न हो, उसको किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने एक दर्जन से अधिक वाहनों को पकड़कर वन विभाग, खनन विभाग, एआरटीयू व सेल टैक्स को भी इसकी सूचना दे दी है। इस चेकिंग अभियान से अवैध खनन माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। अब देखना यह है कि अवैध खनन करने वाले माफिया कब तक इस पर विराम लगा पाते हैं। रामपुर से फिरोज खान की रिपोर्ट। आज सुबह सुबह ही भोर में ही सूचना प्राप्त हुई कि ओवरलोडिंग वाले वाहन और बिना परमिट वाले वाहन जा रहे हैं। मैंने नायब तहसीलदार को लेते हुए अपनी टीम के साथ और अधीक्षक और चौकी दलियाल को अवगत कराते हुए वाहनों को पकड़ने की कार्रवाई की है। 8 गाड़ियाँ आज हम लोगों ने पकड़ ली हैं और उसको खड़ा भी करा दिया गया है। आज हम लोग उसको जिला स्तर पर उसको विभिन्न विभागों को रिपोर्ट कर रहे हैं ताकि इसके अधिक से अधिक जुर्माना किया जाए। सर, 3 दिन पहले भी आपने कार्रवाई करी, कितने वाहन पकड़े थे? 3 दिन हमने 3 दिन पहले हमने करी 6 गाड़ियाँ होती थी और ये कार्यक्रम चलती थी। ये सब जो कार्यवाही की जा रही है ये किन किन विभागों को दिया जा रहा है? इसमें आरटीओ विभाग, खनन विभाग, वन विभाग और सेल टैक्स, इन समस्त विभागों को हम लोग के जिलाधिकारी अपर जिलाधिकारी के माध्यम से उनके नोटिस भेजी जा रही है कि यदि कोई देहताएँ हों तो उनसे वसूल।